केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी हुई सत्य। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेजे गए तिहाड़। 25 मार्च 2025 तक क्या सलाखों के पीछे रहेंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले क्या खत्म हो जाएगी आप पार्टी। क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतराशोका जी की भविष्यवाणी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियति में ही जेल जाना लिखा है इस बात की भविष्यवाणी 4 महीने पहले धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतराशोका जी ने की थी। उन्होंने ग्रहों की चाल को भांपते हुए इस बात की भविष्यवाणी कर डाली थी कि न्यायाधीश शनि मार्च 2024 तक केजरीवाल को जेल यात्रा करा सकते हैं। और अब जो कि शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, ऐसे में अब आप पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता आज के डेट में सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में अब केजरीवाल के तिहाड़ जाने से क्या चुनाव से पहले ही आप पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। इन्हीं सवालों से इस वक्त सोशल मीडिया पटा हुआ है। 2 हफ्ते बाद देश का लोकसभा चुनाव है और 1 साल बाद दिल्ली का चुनाव, और ऐसे में 25 मार्च 2025 तक क्या केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे या फिर आप पार्टी ही खत्म हो जाएगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार की पिक्चर क्या कहती है, सुनिए श्री संत बेतराशोका जी की जुबानी। कुंभ राशि में है, कुंभ मीन और मकर वालों के ऊपर जो है आपकी शनि की साढ़े सती है जी। कर्क और वृश्चिक वालों पे शनि की ढैया, और शनि की जो दृष्टि है पंचम तृतीय दृष्टि जो है वो आपकी जो है मेष राशि पे है जी। और सप्तम दृष्टि जो है शनि की वो है आपकी सिंह राशि पे। तो सिंह राशि में आपके पहले चले गए आपके मनीष सिसोदिया जी, उसके बाद शनि खुद अपनी राशि का मालिक है, और जो व्यक्ति नीति न्याय का देवता होता है वो अपने सामने बैठ के किसी को गलत करने नहीं देता जी। कारण उसमें आपका जो है संजय सिंह भी चले गए, सत्येंद्र पहले ही चले गए थे। अब जो बृहस्पति में राहु, मैं बृहस्पति में आपका ये जो है 21/4/2024 तक था, तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि इनको अपनी वाणी का नियंत्रण रखना है, अगर नहीं रखेंगे अरविंद केजरीवाल का भी जो आपका शनि है वो द्वादश भाव में है, और शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो मुख स्थान में, और मुख स्थान का मालिक बुध जो है वो बृहस्पति और शुक्र के बीच में सैंडविच है। बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये तीनों में एक तीनों की आपस में ट्यूनिंग नहीं है, और क्योंकि बृहस्पति जो है बुध और शुक्र के बीच में सैंडविच है जी, और राहु के साथ खडाष्टक योग बना रहा है जी। खडाष्टक मतलब एक दूसरे से छठे आठवें, क्योंकि इनका राहु जो है वो इनका एकादश भाव में, एकादश भाव का राहु जब भी आप किसी तरीके से फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ करेंगे जी, और वो फिर बृहस्पति जिसकी महादशा है उससे खडाष्टक योग के कारण जो है राहु ने इनको जो है राहु ऑलरेडी इस टाइम मीन राशि में, और इनकी कुंडली में भी मीन राशि में जी, शनि से द्वादश है, तो इसलिए ये जो योग बना है जिसका मैंने 4 महीने पहले आपको प्रेडिक्ट कर दिया था जी। कि अब आप देखिएगा कि भारत के इतिहास में पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एग्जिस्टिंग सीएम जो है उसको जो है जेल जाने की नौबत आ जाए। सिटिंग सीएम अगर जेल जाने की नौबत आए तो ये ना पास्ट में तो अभी तक हुआ नहीं, पहली बार। और जहां तक मोदी जी का है तो मोदी जी ने अभी तक जो है हिस्ट्री बनाई है, हिस्ट्री को करेक्ट किया है, और कहीं कुछ गलत है, क्योंकि इस टाइम जो शनि है अपनी राशि में है तो न्यायाधीश न्याय करेगा, तो उसको वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा न्यायाधीश को, शनि को, जिसके कारण इस टाइम जो है अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने जो है घर से उठा लिया, 10 संबंधी
ये नहीं प्रेजेंट हुए, ये अपने उसमें थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और अभी तक किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ, जबकि आपका सोरेन जो है हेमंत सोरेन कविता हो गई को आना पड़ा। तो यहाँ ये कुछ इनकी जो गणना थी ये गलत हो गई है, और उसका कारण भी जो है द्वादश भाव का शनि है, जिन्होंने इनकी वक्तव्यों को भी, क्योंकि इनके वक्तव्य चैलेंजिंग थे कि मुझको अरेस्ट करके दिखाओ, या ये जिसका नाम लेते थे कि अब इसका नंबर है वही अंदर जा रहा था, फिर खुद के बारे में कहा कि मेरा भी नंबर है ये मुझे करेंगे, जब उन्होंने अपने लिए बोला तो उनका नंबर भी उसी सीक्वेंस में आया जी। तो ये सारी ग्रह नक्षत्र जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ही विल बी बिहाइंड द बार्स एटलीस्ट टिल 25th of March 2025। अभी इतनी जल्दी जो है इनको ये इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिलेगा, और इनको जो है इनके ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है कहीं ये जो है उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 4 महीने पहले कर दी थी। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।